दोनों था शुरू में। जब ये वर्जन मैंने पढ़ा तो बहुत सारे सवाल भी आए कि क्या यही सही वर्जन है, और हालांकि इसमें दोनों तीनों वर्जन दिखा रहे हैं। तो पहले तो कंसर्न दिमाग में ये आया कि जो ये जो है एक बहुत ही जिम्मेदार जिम्मेदारी की बात है इस बात को कहना, क्योंकि इसमें कुछ भी फिल्मीकरण नहीं है चीज़ों का। इसमें जो है फैक्ट्स को आप सामने ला रहे हैं और जो हुआ है उसी को ला रहे हैं। वो कई बार फिल्म करने के पहले ही आपको अंदाज़ा होता है कि इसको किस शैली में बनाएंगे आप, तो उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। और वो कई बार जो है सम्मिलित तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कई बार इंडिविजुअली प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी पहले कि किस कैमरामैन को लेना ज़रूरी है, किस तरह का इसका फील होगा, तो ये सारी डिस्कशंस शुरू में हुए थे। और हमें ये पता था कि इसकी आसपास की टीम जो है इस फिल्म की बहुत कड़क होना ज़रूरी है, बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इसलिए पंकज साहब आए कैमरा करने के लिए। और पंकज आए तो हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ गया। आई थिंक उनको वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो मेघना को मिला, गुलजार साहब ने कहा कि मेरी सारी फिल्मों से आगे है ये फिल्म। और एक बात और उन्होंने कही कि वो बहुत देर जब पूछती रही तो उन्होंने कहा कि बस मुझे थोड़ी देर चुप रहने दो, फिल्म आपको सोच में डाल देती है, तो ये इस फिल्म का कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा मुझे ख़ुद को नहीं पता यार ये कैसे हुआ है ये। एंड आप वैसे कोशिश करोगे तो इट्स अ टफ थिंग, इट्स अ वेरी टफ थिंग, वेरी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हॉलीवुड। उसमें मैं तो ये बोलूँगा कि यार बाय चांस की बात है, वो हो गया आई हैव नो आई डोंट नो एनी फार्मूला जिससे हो सकता है। मेरी बाई चांस फिल्म जो है मुझे करने का मौका मिल गया, एंड दे लाइक्ड माई परफॉर्मेंस, एंड आई केप्ट डूइंग फिल्म वेयर आई मेंटेन माई रेपुटेशन, एंड माई ऑडियंस इज़ ग्रोन इन हॉलीवुड, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सपैंड इट एज मच एज पॉसिबल।